यूपी के रामपुर में दहेज के खातिर 4 महीने की नवविवाहिता को जलाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने केरोसिन डालकर महिला को आग के हवाले कर दिया, जिससे महिला झुलस गई। वहीं आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पीड़ित परिजन की तहरीर के आधार पर पति सहित आरोपी ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। यहां आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने घायल अवस्था में बेटी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर भी प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। बता दें कि महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में महिला का उपचार चल रहा है। महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घटना थाना मिलक खानम क्षेत्र के टहा कुम्हारिया गांव की है। पीड़ित परिजन के मुताबिक पीड़ित महिला फालेहीन की शादी 4 महीने पहले इद्रीस से हुई थी। आरोप है कि शादी में पीड़ित परिजनों ने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था, पर ससुराल पक्ष के लोग उससे खुश ना थे और दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं की गई तो पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़ित पर जुल्म करने लगे। नौबत यहां तक आ गई कि पीड़िता की कई बार पिटाई भी की। परिजनों ने जिसकी सूचना थाने पर भी दी थी, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। अब महिला को पति सहित ससुराल के अन्य लोगों ने मिलकर महिला पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी, जिससे महिला बुरी तरह से झुलस चुकी है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। बताओ बताओ, फाइलिन किसने जलाया तुम्हें? इद्रीस है? इद्रीस ने। क्यों जलाया? दहेज के पीछे। क्या कौन कौन मांग करता था दहेज की? इद्रीस और उसकी माँ, उसके बाप, बहन बब्बू। काय से जलाया? मट्टी के तेल से। कब जलाया? 1 बजे। मारते भी थे क्या तुम्हें? बहुत बहुत बुरा मार था। कितने दिनों का शादी को तुम्हारी? 4वां महीना। चौथा महीना चल गया। चौथा महीना? क्या नाम है जिसने जलाया? नाम बताओ। जय इद्रीस घर में को लेके गया, बोले चल कोई बात करनी है, मन की चल। फिर मुझे रस्सी से बांधा इद्रीस ने। फिर माई बाप आया, 3 कुआरी लोनी आई, बोली भैया ये है मट्टी का तेल। मट्टी का तेल छिड़क के लगाई आग। आग लगाने के बाद में सब जने भाग गए। फिर 1 घंटे के बाद आने कहा, अरे क्या हो गया क्या हो गया, मन की हरामी हो तुमने तो मुझे मार दिया, क्या आयो मुझे देखने के लिए? बोले चल माँ जला दिया तो क्या है, हम तेरा इलाज कर लेंगे, मगर तू बयान बदल दिए। मैंने कहा किसी कीमत पे बयान नहीं बदलूंगी, जा तू दूसरे शादी कर दे, दहेज की बात है कि चल जा। उन्होंने मुझे मार दिया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। तो जा कैसे जलाया, किसने जलाया, पूरी बात बताओ। भाई मैंने कल शाम बात करी थी बहन से, बिल्कुल सही बोल रही थी, सब कुछ सही कि सही हूँ। अभी पता नहीं 2 दिन पहले मेरी लड़ाई हुई थी, हमने इसको बहुत बुरा वाला बोला था, हमको समझाया बहन को हमने कि गलत बहन दो बातें बर्दाश्त कर रहते हैं ससुराल में, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते हैं। जब भी समझाया बहन को समझाया, पंचायत भी हो गई शादी के 3.5-4 महीने शादी हो गई भी इतनी, उसमें पंचायत भी कर ली इन लोगों ने और उसको मारा भी खूब। समझाया फिर बहन को कि बहन गलत बात थी, वो दो बातें बर्दाश्त कर लो, मगर आज इन्होंने ऐसा करा, उसको छोड़ने के लिए बोलता था दहेज के लिए कि गाड़ी दो, बड़ी गाड़ी 4 पहिया दो, बुलेट दो भाई को, देवर को जलीस और दे। नंद जो है इनकी, नंद के हमें भी कुछ नहीं मिला, ये है वो है, मतलब दहेज की मांग करते थे। मांग दहेज की मांग करते तो इन्होंने खुद तेल डाला है अपनों पर या डाला ससुरालियों ने? डाला है ससुरालियों ने डाला। किस किस ने डाला है? बांध के इद्रीस, जलीस, खुर्शीद, शरीफन, गग्गू। किसने बताया ये बात तुम्हें? इन्होंने बताया था, उनको हम भी बताया था। और जो ने कहाँ शादी करी थी, कितना टाइम हो गया शादी को? सर 15 मार्च को बरात आई थी, लास्ट टाइम क्या हो रहा है। कहाँ शादी करी थी? टाकुमरिया जिमला खान के पास। तुम्हारे बहनोई का नाम क्या है? इसका फाइलिन नाम है। बहनोई का? बहनोई का इद्रीस। क्या करते हैं ये? ये वेल्डिंग का काम करते हैं, जो मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, जो भी मिलता है। पुलिस में रिपोर्ट कर दी? जी पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस आई थी बहन लेने? पुलिस आई थी सर। बहन हो गए?
क्या कार्रवाई, कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ अभी तक? कोई नहीं हुआ सर अभी तक, यहीं टहलते रहे, पुलिस भी आई, पुलिस के सामने टहलते रहे, साज भी उनकी, मगर कोई लेके नहीं गया सर। अब कहाँ ये लोग सब? अब लोग सर यहाँ छोड़ के हैं, फरार हो गए, बयान दिए तो सब फरार हो गए, सब यहाँ छोड़ गए। बड़ा भाई हमारा ऑपरेशन हुआ उसका, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, उसका बहुत पैसा लगा। अभी शादी करी, इसमें हालात हमारे दोनों का पैसों का इंतजाम के, बाप गए हैं पैसों के लिए, कहीं से अगर पैसों का इंतजाम हो जाए सर, बड़ी परेशानी है। आप कहाँ रहते हो? बिलासपुर गेट नई बस्ती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.